पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बिजनौर पुलिस के द्वारा 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धामपुर में हुई लूट के लुटेरे राजपुताना की तरफ से जा रहे हैं। सूचना पर क्षेत्र अधिकारी धामपुर, प्रभारी निरीक्षक धामपुर, में फोर्स स्वाट सर्विलांस टीम सहित करीब 6 बजे राजपुताना पॉइंट पर पहुंची तथा संदिग्ध हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुए बाइक का पीछा कर कुछ ही दूरी पर दोनों को घेर कर पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली में थाना धामपुर पर नियुक्त रोहित कुमार व आरची विजय तोमर भी घायल हुए हैं। पूछताछ पर घायल दोनों बदमाशों ने अपना नाम राहुल बावरिया पुत्र दिलीप व विकास कश्यप पुत्र जोगिंद्र निवासी गढ़ भगीरा डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली बताया। अभियुक्त गणों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर में 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, हीरो स्प्लेंडर बाइक बरामद किए गए। पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा 19 सितंबर को थाना धामपुर क्षेत्र अंतर्गत नगीना धामपुर हाईवे पर धामपुर से आगे चांद ढाबे के निकट स्कूटी सवार दो महिलाओं से गले से सोने की चेन पर झपट्टा मारकर चेन छीन कर पर स्कूटी को धक्का मारकर भाग गए थे। घटना के संबंध में थाना धामपुर पर न्यू हिंदू कॉलोनी निवासी श्रीमती शोभा रानी, जो कि थाना नगीना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र है, के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। राजीव कुमार, बिजनौर, समाचार 24। थाना धामपुर, जिला बिजनौर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शाम को चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो वाहन न रोक करके पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग गए, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका पीछा किया और फायरिंग में दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है, जो बावरिया गिरोह से संबंधित है और 25,000 के इनामी बदमाश भी है। इस घटना में 2 पुलिस वालों को भी चोटें आई है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में